अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो हम लोगों ने स्टार्ट किया लंग पैथोलॉजी, और उसमें अब हमारे पास सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स रह गए। एक है निमोनिया जो हम अभी करने लगे हैं, फिर ट्यूबरकुलोसिस है, और उसके बाद ट्यूमर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों और बहुत ही ज़रूरी है करना, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान आसान सी बातें मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहला जो हमने करने लगे वो है निमोनियाज या पल्मोनरी इन्फेक्शंस, ठीक है। जो हमारे पास बुक में डेफिनेशन है उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि एनी इन्फेक्शन इन द लंग इज कॉल्ड एज निमोनिया, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि एनी इन्फेक्शन इन द लंग which causes inflammation of the alveoli, ठीक है। इन्फेक्शन भी है और जो इन्फ्लेमेशन भी करते हैं। सपोज अगर खाली आपका कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसके बॉडी ने जिसको रिजिस्ट कर दिया, इन्फ्लेमेशन शुरू ही नहीं हो सकी, ठीक है। या फिर वो आपके बैक्टीरिया आया जरूर है आपके एयरवेज में, लेकिन वो अभी एल्वेलाई तक नहीं पहुंचा था, बॉडी ने उससे पहले ही उसको क्लियर कर दिया, तो उसको नॉर्मली लोग निमोनिया नहीं कहते। निमोनिया तब होता है कि वेन इन्फेक्शन अकर्स इन द एल्वेलाई एंड इन्फ्लेमेशन अकर्स, मतलब इन्फेक्शन यानी जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो आपके, मतलब कहने का ये कि जो बैक्टीरिया वायरस एंटर हुआ है बॉडी में वो आपके एल्वेलाई तक पहुंचे और उसने एल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन भी की है, ठीक है। जिस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में आपको पता है कि सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट हुआ है, तब हम उसे निमोनिया कहेंगे। तो बस आपकी सिंपल तरीन डेफिनेशन है, एनी इन्फेक्शन इन द लंग विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वेलाई, दैट्स इट। ओके, तो अब हमारे पास जो ये हम कहते हैं कि हमारे लंग्स के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं अक्सर अवकात, उसकी वजह ये है कि हमारे पास हर टाइम सांस लेने का प्रोसेस चल रहा है, और सांस लेने के प्रोसेस में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का कांटेक्ट बाहर के साथ मुसलसल है। आप मुसलसल एयर को इनहेल कर रहे हो। किसी भी वक्त अगर एयर में कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपके लंग को डैमेज कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आपका लंग डैमेज हो जाएगा। इसी तरह सोते हुए जागते हुए हर टाइम ये प्रोसेस चल रहा है ना, इसलिए हमारे लंग के इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। उसके साथ आपको पता है कि जितनी भी हमारी बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं उनमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA प्रेजेंट है। तो इसी तरह जो आपके म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म है, जो हमारा बॉडी का, जो आपके लंग्स का सारा सिलिया लाइन किया हुआ है, आपको पता है कि लंग्स में भी सारा म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म है, सिलिया सारे को लाइन किया हुआ है ताकि कोई भी अगर ऑफेंडिंग एजेंट अंदर आएगा तो वो म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म यानी वो जो म्यूकस सिलिया सिक्रीट करें और सॉरी जो म्यूकस आपके गॉबलेट सेल सिक्रीट करें और सिलिया, ये दोनों मिलके उसको बाहर निकाल देते हैं। म्यूकस उसे ट्रैप करता है और सिलिया बीट करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आपकी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उनमें IgA एंटीबॉडी होती है, और इस म्यूकोसिलरी क्लियरेंस मैकेनिज्म में भी IgA एंटीबॉडी होती है जो कि आपकी बॉडी को इन एजेंट से प्रोटेक्ट करती है। बताने का मकसद ये था। तो जो लोग IgA एंटीबॉडी डेफिशिएंट लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। सिगरेट स्मोकर्स में ये मैकेनिज्म खराब हुआ होता है उनमें खतरा ज़्यादा होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस के लोग जो होंगे एक खास किस्म के जीन के, उनमें खतरा ज़्यादा होता है। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि ये सारा का सारा बेसिकली निमोनिया की कहानी है कि नॉर्मल बंदों में भी हो सकता है, लेकिन जो इस किस्म के लोग हैं कि IgA डेफिशिएंट है या स्मोकर्स हैं या फिर किसी और एलर्जिक लोग हैं, उनमें खतरा वैसे ही ज्यादा हो जाता है। स्टार्ट हमने बैक्टीरियल निमोनिया से करने, जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है SEQ, वो तो इसकी मॉर्फोलॉजी सीधी सीधी आती है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी आपसे पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछते हैं, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपके पास दूसरा जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो कहते हैं क्लासिफाई बैक्टीरियल निमोनियाज, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मीडियम रॉबिन्स में भी, बिग रॉबिन्स में भी। पूरा इतना बड़ा येलो से कलर का टेबल सा बना हुआ है जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, नोसोकोमल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया सारे लिखे हुए। वो सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ है, उसको आप किसी भी तरीके से और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको पक्का याद करना है क्योंकि वो आपके पास पूरा एग्जाम का क्वेश्चन आता होता है। सॉलिड 5 नंबर होते हैं, क्लासिफाई बैक्टीरियल निमोनियाज, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत आसान है, एक दो दफ़ा पढ़ो तो याद हो जाता है। उनमें से जो कुछ बैक्टीरियल निमोनिया के नाम है वो ये मैंने लिखे हैं। इनको मैंने इस तरह से लिखे क्योंकि इनमें से ना कोई कोई एक एक बात MCQ वाली आ सकती है, तो मैंने कहा मैं आपको पूरे पूरे पैराग्राफ्स आप ना पढ़ें, इन पे आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। इन पे हर एक पे एक एक दो दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप उसमें से सिर्फ ये वाली बात अंडरलाइन कर लें अपने पास, ताकि आपके पास MCQ आए तो वो सॉल्व हो जाए। अब जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया, मतलब ये मोस्ट कॉमनली जो अकरिंग निमोनियाज है उनमें से एक जो है वो स्ट्रेप निमोनिया की वजह से होता है, और बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आपको जब स्पूटम में मिलेंगे तो इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है, ठीक है। ये इसमें से एक आने वाला MCQ है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले का जो हमारे पास होता है निमोनिया, उसका हम किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स अलॉन्ग विद जो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है, ये दो बातें आपने याद रखनी, ठीक है। फिर हमारे पास आपको पता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी एक डिजीज होती है ना COPD, आपको पता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसमें आपका वैसे ही लंग्स जो है उनमें एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर चल रहा होता है। ऐसे लोगों में अगर सुपर सीडेड इन्फेक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनका और कंडीशन खराब हो जाती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो अगला MCQ आता होता है ये कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एग्जैसरबेशंस इन COPD, यानी कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि COPD के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमनली इन्फेक्शन करता है, तो वो आपका हिमोफिलस है, ठीक है।
हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आपका वो बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमनली सीओपीडी के पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता है, और सेकेंड मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्ट करता है वो मोरेक्सेला है, ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, जो सीओपीडी के पेशेंट्स को इन्फेक्ट करेगा। स्टेफ और यस, याद रखना हमारे पास जो लोग वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना किसी को, सपोज हमने अक्सर पढ़ा ना कि वायरल इन्फेक्शन पहले होता है और उसके बाद सुपर सीडेड बैक्टीरियल हो जाता है, तो हम सुपर सीडेड बैक्टीरियल को खत्म करने के लिए ही एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिस तरह कोविड के पेशेंट्स को भी हम दे रहे होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर अगर सुपर सीडेड बैक्टीरियल होगा तो वो मोस्ट कॉमनली स्टेफ और यस होता है, ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। देन आपके पास जो ये क्लेबशियला है ना, इसके बारे में आपने याद रखनी है कि ग्राम नेगेटिव अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि निमोनिया कॉज कर रहा है तो वो मोस्ट कॉमन क्लेबशियला है। ये जितने हमने ऊपर पढ़े ये सब ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, ये सारे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव मोस्ट कॉमनली जो है मैं इधर लिखी देती हूँ, ये आपका क्लेबशियला है, ये वायरल इन्फेक्शन के पोस्ट वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फिर जो सूडोमोनास है ना, ये आपके जो होते हैं इम्यूनिटी डेफिशिएंट लोग, यानी एड्स के लोग हैं या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन सूडोमोनास का होता है, तो आपके ये हो गए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में। उसके बाद जो लिग्योनेला है, इसका तो आपके पास ना ऑस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है, ये आपके पास एरोसोल्स से बहुत ज्यादा होता है, लिग्योनेर्स डिजीज उसको कहते हैं, मतलब आपकी एसी की जो हवा है ना, जैसे उसमें से अगर सपोज आपका जो फिजा में फैला हुआ है तो एसी की हवा से इसको कर लेते हैं आप, ले सकते हैं, तो ये एरोसोल जनरेटेड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इससे आप नहीं याद रखना। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो टाइप, इसकी कोई ऐसा खास बात नहीं, तो ये एक एक बात इन सबकी याद रखनी है ताकि आपका एमसीक्यूज सॉल्व हो जाए। अब करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास लंग जो पूरा चैम्बर है उसमें जाहिर है एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई सारे के सारे भरे हुए हैं हमारी एयर से, एल्वियोलाई यही होते हैं ना, एल्वियोलाई के अंदर एयर ही होती है, ठीक है। अगर इसके अंदर एयर की बजाय फ्लूइड सारा का सारा भर जाएगा तो उस प्रोसेस को, उसमें लंग का ये एरिया अब एयर हवा से भरा हुआ नहीं रहा, अब इसमें फ्लूइड भर गया। जब फ्लूइड भर जाता है ना उस जगह में, तो हम उसको कहते हैं कि अब ये सॉलिड कोई चीज़ आ गई है। पहले तो सॉलिड कुछ भी नहीं था, पहले तो हम उसको ऐसे करते तो वो कोलैप्स हो जाता, अब वो कोलैप्स नहीं हो सकता, अब उसके अंदर कोई चीज़ भर गई है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, और अच्छे लफ्जों में हम उसको कहते हैं कंसॉलिडेशन ऑफ लंग। तो आपके पास जब भी कंसॉलिडेशन का लफ्ज आता है ना, अक्सर आता होता है हर एमसीक्यू वाइवा, अगर आपके लंग से रिलेटेड है तो उसमें अक्सर देते हैं। तो कंसॉलिडेशन के लफ्ज से मतलब होता है कि अब हमारे पास वो एरिया जो लंग का जो कंसॉलिडेटेड है, इसका मतलब है कि वो सॉलिडिफाई हुआ है, मतलब ये है कि उसके अंदर कोई पस, कोई फ्लूइड, कोई चीज भर गई है हवा के अलावा, ठीक है, ये बात होगी। अब हमारे पास जो दो पैटर्न से निमोनिया अपने आपको एग्जिबिट करता है, अगर आपको पता है कि लंग्स हमारे इस तरह से है कि राइट लंग को हमने डिवाइड किया हुआ है तीन लोब्स में बड़े बड़े, और लेफ्ट लंग को हमने डिवाइड किया हुआ दो लोब्स में, ठीक है, पता नहीं मुझे सही तो डिमार्केशन नहीं याद, लेकिन राइट लंग के एक दो तीन लोब्स हैं, 1 2 3, और लेफ्ट लंग के हमारे पास एक और दो लोब्स हैं, ये तो हो गए बड़े बड़े लोब्स। और इसके अंदर फिर अगर हमारे पास जाहिर सी बात है छोटे छोटे, फिर हम उसको मजीद सेगमेंट से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो एनाटॉमिकल होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपका जो निमोनिया का मॉर्फोलॉजी का पैटर्न इस तरह से है कि एक पूरा लोब उसमें इन्फेक्टेड है, सपोज मैं कहती हूँ जो थर्ड नंबर का लोब है ये पूरा का पूरा इन्फेक्टेड है और ये सारा भरा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं लोबार निमोनिया, क्योंकि एक लोब उसमें शामिल हुआ है। और अगर हमारे पास जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि एक इधर इधर छोटा सा फोकस है, मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ वाले यहाँ से रेड है, यहाँ से रेड है, फिर इधर से, इधर से, इधर से, यानी डिफ्यूजली फैले हुए छोटे छोटे एरियाज हमारे लंग के जो इन्वॉल्व है और इन्फेक्टेड है, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंको निमोनिया। तो दो पैटर्न होते हैं, लोबार एंड ब्रोंको निमोनिया। अच्छा जी, तो अब मैं बताने लगी थी कि आपके पास ये दो पैटर्न्स होते हैं, अक्सर औकात हम ये भी नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही होगा कि लोबार या ब्रोंको ही होगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरा लोब भी, एक पूरा का पूरा लोब भी इन्फेक्टेड होता है और बाकी लोब्स में भी आपको छोटी छोटी सी कंसोलिडेशन मिल रही होती है, तो दोनों मिक्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन इन जनरल हम दो पैटर्न्स कहते हैं। आपके पास जो ज़्यादातर ऐसी क्यों आता है वो आपको ये भी कह देते हैं कि आप बताएं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ निमोनिया, पूरा पूरा सारा आपको पैटर्न बताने होते हैं दोनों, और दोनों की मॉर्फोलॉजी बताने होती है कभी, लेकिन ज़्यादातर आपसे कहते हैं कि स्टेजेस ऑफ लोबार निमोनिया बताएं और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया बता दें, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टेजेस ऑफ लोबार निमोनिया, ये सिंपल कुछ भी नहीं है, इसमें एक सिंपल इन्फ्लेमेशन की जो स्टेजेस है ना उसको उन्होंने थोड़े से फैंसी नाम दे दिए, जाहिर सी बात है फैंसी नाम देंगे तो कोई उनकी चीज़ों को अच्छा समझेगा ना, वरना तो नहीं समझेंगे। तो सिंपल सी ये बात है कि हमारे पास एक जनरल इन्फ्लेमेशन किसी जगह पर होती है तो क्या होता है, ये मेरे पास मैं सिंपल प्रोसेस बताती हूँ, ये बैक्टीरिया आया, ठीक है, बैक्टीरिया आएगा किसी जगह पे तो पहले एक तो नहीं आएगा ना, बहुत सारे उसकी वो आएंगे अपने दोस्तों के साथ लेके आएगा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह पर आए, बॉडी फौरी तौर पे उसको रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज करके उस जगह पर फौरन फौरन इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन में एकदम से क्या होता है, हमने पढ़ा था
जो आसपास की ब्लड वेसल्स हैं वो फॉरन डायलेट करती हैं. वो डायलेट इसलिए करती हैं ताकि जितने भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो उनसे निकल के उस जगह पर आ सकें और वहाँ पर आकर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू कर सकें. सबसे शुरू में जो चीज़ वहाँ पर पहुँचती है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, हमने पढ़ा था, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ब्लड में हर टाइम रेडी फिर रहे होते हैं. तो हमारे पास उसके बाद क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पहले स्टेप में ये सब कुछ होता है, फिर दूसरे स्टेप में न्यूट्रोफिल्स अपनी फौज को मजीद वहाँ पर बुलाते हैं और बढ़ाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स के साथ आपके पास मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं, और काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहाँ पर आपको मौजूद मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा वेसल्स इंगॉर्ज हो जाती हैं, वेसल्स के अंदर से फ्लूइड भी निकल रहा होता है, एडिमा भी हो जाता है उस जगह का. यही बात है. उसके बाद तीसरी बात, फिर हमारे पास क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सारी जो है वो अब फिब्रस, हमारे पास फिब्रिनो सेपरेटिव एक्जुडेट, अब सारा एक्जुडेट बनने लग जाता है, क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी हमारे सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स और जो कुछ यहाँ पर आया था उनके और बैक्टीरिया के दरमियान में, उस लड़ाई का कोई हल भी तो होगा ना, कोई जीता है, कोई मरता है, कोई रोता है, कोई हंसता है. तो अब होता यह कि जो जीने मरने वाला सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, थोड़े से ज़िंदा रहते हैं, उसके रिजल्ट में कुछ एक्जुडेट सा यहाँ पर बन जाता है. तो वो जो वेसल्स की इंगॉर्जमेंट थी वो ख़त्म हो चुकी होती है तब तक, और आखिर में वो स्टेज आती है कि ये सारा का सारा जो एक्जुडेट है, या तो ये होगा कि ये सारा हीलिंग बाय फाइब्रोसिस टाइप सीन में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास ये यहाँ से सारा क्लियर होता जाता है, डेब्रिस जितना बन चुका होता है. दो ही बातें हो सकती हैं कि अगर न्यूट्रोफिल्स और हमारी बॉडी ने ये जंग जीत ली थी तो जितना यहाँ डेब्रिस बनता है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाता है. क्लियर होने के डिफरेंट रास्ते हैं, किसी मैं आपको बताऊंगी किस किस तरह से हो सकता है. ये दूसरा रास्ता तरीका ये होता है कि अगर ये जंग हमारी बॉडी ने नहीं जीती और बैक्टीरिया ने जीती है, तब भी यहाँ पर बहुत सारा डेब्रिस बना हुआ होगा और वो डेब्रिस यहीं पर फाइब्रोसिस करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं. तो ये चार